वैसे तो टाटा पंच के जो पिक्चर्स और टीजर सामने आए हैं उसमें इसका ड्यूअल टोन ब्लू कलर ही टाटा मोटर्स ने ऑफिशियली रिवील किया है, लेकिन दो और कलर इसके सामने निकल के आए हैं, जिसमें से कि पहला कलर जो है वो रेड ड्यूअल टोन कलर है, जो कि डीलरशिप पे या फिर कुछ लोग इसे कह रहे हैं कि ग्रॉसरी शॉप पर स्पॉट किया गया है। तो भाई ग्रॉसरी शॉप पर तो गाड़ी बिकेगी नहीं, इसलिए शोरूम या फिर डीलरशिप पर ही जा रहा होगा, तो इसे भी हम कह सकते हैं कि ये भी डीलरशिप पर ही स्पॉट किया गया है, ये काफ़ी क्लासी लग रहा है। और तीसरा जो कलर इसका स्पॉट किया गया है वो ग्रे या फिर कह सकते हो गोल्ड ग्रे कलर जो है सामने देखने को मिल रहा है। अब इसका ऑफिशियल नेम क्या होगा वो तो बाद में ही देखा जाएगा, तो ये इस वीडियो में आप इसे भी देख सकते हो जो कि एक ट्रांसपोर्टर ट्रक पे भी कुछ समय पहले स्पॉट किया गया था। तो भाई जो लोग कह रहे थे कि गाड़ी डीलरशिप पे अभी नहीं आई है, ये सब फेक न्यूज़ है, तो वे इन तीनों कंडीशन को पैराडॉक्सिकल फोटोन ऑफ अतरंगी एल्गोरिथम को इक्वल टू एम सी स्क्वायर में लगा के इंटरस्टेलर मित्रमंडल कॉन्फ्रेंस के एलियंस की फीलिंग्स को मैच कर लें ताकि पिक्चर क्लियर हो जाए। अपार्ट फ्रॉम दिस पंच के 5 कलर ऑप्शन हो सकते हैं, ये अनुमान हम इसके नाम पंच से ही लगा रहे हैं, क्योंकि यदि आप ध्यान से देखोगे कि पंच में टोटल 5 लेटर है और पांचों के अलग अलग कलर हैं, जिसमें से कि 3 जो कलर हमारे सामने आए हैं वो तीनों इसके लेटर्स के ही कलर निकल के आए हैं। इस हिसाब से इसमें लाइट ऑरेंज और डार्क ब्लू कलर और भी सामने आने वाला है, यानी कि टोटल 5 कलर ऑप्शन में हम अनुमान लगा रहे हैं कि पंच आने वाली है। मे बी इससे ज़्यादा कलर्स भी हो सकते हैं, ऑफिशियल जब अनाउंसमेंट होगा तब हम देखा जाएगा। तो वैसे टीजर में ये गाड़ी हर इंडियन रोड कंडीशन पर टेस्टिंग करते हुए देखी गई है, जिससे कि गाड़ी की रिजिडिटी और रगनेस का पता चलता है। और भी यदि आप पंच के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो इसके फीचर्स या फिर इसके कंपैरिजन के बारे में, तो मैंने चैनल पर वीडियोस डाल रखे हैं जो कि आप देख सकते हो, जिसमें कि आपको एक ओवरऑल व्यू लग जाएगा कि आप इसके डायमेंशंस क्या होने वाले हैं या फिर इसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिलने वाले हैं या फिर क्या फीचर्स इसके कंफर्म हो चुके हैं। कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि इसके इंटीरियर के जो इमेजेस सामने आए उससे कंफर्म हो जाते हैं, एक्सटीरियर इमेजेस से पूरे कंफर्म हो जाते हैं, तो उनके बारे में भी यदि जानना हो आपको तो प्लीज़ चैनल पर विजिट करके आप वीडियोज़ देख सकते हैं। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और यदि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, या फिर आप चाहें तो ईमेल भी कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। और यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि एक मोटिवेशन मिलता है इससे कि आप लोग भी हमारे साथ हो और हम भी नए नए इन्फॉर्मेशन या फिर नए नए कंटेंट आपके लिए लेके आ सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।